एपिसोड 214 फ्रीडम। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि अरमान उससे कितना प्यार करता था। मानसी की माँ ने कहा, अगर उसकी माँ ने उसकी इतनी मिन्नतें न की होती तो वो कभी उस लड़की को नहीं छोड़ता। तनुजा पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, पर फिर उसने कहा, हंटी मैं हमेशा से ही आपकी हरकतें देखकर हैरान रही हूँ। ना तो मेरी नजर कभी आपके पैसों पर थी और ना ही कभी आपके परिवार को मैंने कोई नुकसान पहुँचाना चाहा, पर फिर भी आप हमेशा मेरे खिलाफ ही खड़ी होती हैं। पहले आप लोग मुझे टारगेट करना शुरू करते थे और आप हमेशा परेशानी ही क्रिएट करती हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी कंपनी की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जो कुछ भी अमित के साथ किया ना आपने उसके बाद। आपकी वजह से अरमान के परिवार वालों को इतना नुकसान हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपका और उनका रिश्ता अभी तक वैसा ही है? अब मुझे आपको अरमान के दादा दादी की कंपनी में आपकी पोजीशन तो आपको याद नहीं करवानी पड़ेगी ना। ये सुनकर मानसी और उसकी माँ दोनों के चेहरे उतर चुके थे। यहाँ तक कि ड्राइवर सीट पर बैठे मानसी के पिता भी उन्हें घूर घूर कर देखने लगे थे। हम एक परिवार हैं और ये सब टेम्पररी है। एक बार हम न्यू ईयर इकट्ठे मना लें, उसके बाद चीजें फिर से पहले की तरह हो जाएंगी। थोड़ी बहुत परेशानियां तो हर परिवार में होती हैं, पर फिर भी जरूरत पड़ने पर हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, मानसी की माँ ने कहा। सच में? अब तो मैं भी सच में देखना चाहती हूँ कि आप सब कैसे एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ओ हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, अरमान की माँ ने मुझे अपना लिया है। अब अगर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ भी गई तो मुझे नहीं लगता कि आंटी मेरे ऊपर उसे चुनेंगी। पर आप फिक्र ना करें, जो कुछ भी अभी आपने मुझसे कहा मैं उन्हें जरूर बताऊंगी। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड को कितना चाहते हैं, तनुजा ने हंसते हुए कहा। और इसी के साथ वो शिवानी को अपने साथ लेकर चली गई। ये सुनकर मानसी की माँ पैनिक करने लगी। उसे पता था कि तब क्या हुआ था और कैसे अरमान का पूरा परिवार उस बात से बेहद नाराज था। अगर तनुजा ने सच में उन्हें बता दिया जो कुछ भी अभी उसने उससे कहा, फिर तो वो जरूर उससे ऑफेंड हो जाएंगे। तुम दोनों को सच में बस कर देना चाहिए। पहले ही तुम्हें पता है कि कंपनी में मेरी पोजीशन कितनी गिर चुकी है। क्या ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? मानसी के पिता ने मानसी और उसकी माँ से कहा। वो गाड़ी से उतरकर तनुजा का पीछा करने लगे और बोले, तुम्हारी आंटी और मानसी तो कुछ भी बोलते हैं बेटा, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, बहुत परेशान किया है उन्होंने तुम्हें। अंकल आपने उन्हें पहले ही क्यों नहीं रोका? आप तो काफी समझदार इंसान लगते हैं, तनुजा ने कहा। और इतना कहते ही वो चुपचाप बिना उसकी कोई और भी बात सुने वहां से चली गई। पापा आपने एक लड़की से माफी क्यों मांगी? मानसी ने गाड़ी से निकलते ही चिल्लाकर पूछा। देखो तो कितनी आरोगेंट है ये, लगता है अपनी असली जगह भूल चुकी है। चुप करो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, उसके पिता ने गुस्से में कहा। मेरी और तुम्हारी माँ की इस कंपनी में की गई सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। धीरे धीरे हमारी सारी पावर्स छिनती जा रही हैं। आज नहीं तो कल वो थोड़ी ही सैलरी रह जाएगी बस हमारे पास। तुम्हें भी फिर अपनी इस आलीशान जिंदगी को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। चुपचाप नया साल शुरू होते ही फ्रांस चली जाओ। तुम अपनी बेटी को ऐसे डांट क्यों रहे हो? उसकी माँ ने उसे हक करते हुए कहा। तुम्हीं ने बिगाड़ा इसे, उसके पिता ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। कैंपस से बाहर निकलते ही शिवानी ने कहा, ये मानसी टिक ही नहीं रही, अपना सबक कब सीखेगी लड़की? एक ना एक दिन तो सीख ही जाएगी, छोड़ो ना इसे, तनुजा ने कहा। ऐसे भी अगले साल ये फ्रांस जा ही रही है, वहां पहुंच के इसे पता चलेगा कि कितनी बेकार एकेडमी है वो। अच्छा सच में ये अरमान है तो बहुत कमीना वैसे, शिवानी ने हंसते हुए कहा। फिर उसकी नजर तनुजा पर पड़ी जो कि बेहद उदास लग रही थी। क्या हुआ, तुम्हें इनकी बातों से फर्क पड़ रहा है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है? तनुजा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, एक बार हमें घूमने जाने दो, फिर देखना मैं कैसे उसका दिल जीत लेती हूँ, फिर कैसे बचकर निकलेगा मेरे कब्जे से। अच्छा ठीक है बाबा, फिर तो मैं तुम्हारे वो बॉक्स में कपड़े फिर से रख दूंगी पिछली बार की तरह, तुम्हें याद तो है ना, शिवानी ने हंसते हुए कहा। तनुजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तुम दिखती भोली हो बस, वरना तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है ना? सही बात तो है, इंसान को हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, शिवानी ने हंसते हुए कहा। तनुजा ने पूछा, तुम कैसे मनाओगी न्यू ईयर? अपने बॉयफ्रेंड से तो तुम पूरी छुट्टियों में एक ही बार मिलोगी ना? मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी रिकॉर्डिंग खत्म करनी है, उसके बाद एक म्यूजिक वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। वो तो चीन और कोरिया में ट्रेवल कर रहा होगा न्यू ईयर के टाइम, हम दोनों ही बिजी हैं। शायद अगला साल बेहतर हो, एक बार मैं स्टार बन गई ना तो फिर उसके बाद उसकी कंपनी को हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होगी, शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा।
मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल तक तो मैं स्टार बन ही जाऊंगी। तनुजा को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में कोई भरोसा नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे दीपिका और अक्षत का रिश्ता था। पर उनकी हालत एटलीस्ट शिवानी और उसके बॉयफ्रेंड से तो बेहतर थी, क्योंकि एटलीस्ट वो दोनों फोन पर बात तो कर लेते थे। पर फिर भी उनके बीच इतनी परेशानी हो गई थी। चाहे अब वो दोनों शादी करने वाले थे, तनुजा को अभी भी उनकी शादी के बारे में सोचकर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे दीपिका उस रिलेशन को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस थी, पर अक्षत इतना सीरियस नहीं था। पर अक्षत एक सिपाही था और उसके आसपास इतनी लड़कियां नहीं थीं। और दूसरी ओर शिवानी का बॉयफ्रेंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में था और उसके आसपास बहुत सी लड़कियां होती थीं हमेशा, और तो और वो पहले ही काफी बदल चुका था। शिवानी को इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर तनुजा के पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में थे और उसने ऐसे कई लड़के लड़कियों के ईमान खराब होते देखा था। पर उसने शिवानी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे बुरा लगेगा। रात को तनुजा एक मिनट के लिए भी नहीं सोई। अगली सुबह उसे दिल्ली वापस जाना था। वो अपने पिता से मिलेगी, पहली बार 2 साल बाद अपने घर वापस जा रही थी। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुबह अरमान उसे एयरपोर्ट तक छोड़ भी नहीं पाया, क्योंकि उसकी कोई मीटिंग थी। इसलिए तनुजा ने अपने लिए एक ड्राइवर को बुला लिया। जैसे ही ड्राइवर आया, तनुजा हैरान हो गई। जिमी आगे वाली सीट पर बैठा था। मैं तो तुम्हारे साथ दिल्ली नहीं जा सकता, पर जिमी तुम्हारे साथ रहेगा, अरमान ने कहा। वो अवंतिका के फिल्म स्टूडियो का काम संभाल रहा है, जब से हमने उसे खरीदा है। इसे उसी सिलसिले में वहां जाना भी था, पर अक्षत के एक्सीडेंट के कारण वो जा नहीं पाया। और अगर जिमी तुम्हारे साथ होगा तो मैं भी शांत रहूंगा। वैसे तो अमित के पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने का, पर फिर भी हमें ध्यान तो रखना चाहिए ना, तनुजा ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। पर अब अरमान की डोन थोड़ी बदल गई थी। मुझे जिमी पर भी भरोसा नहीं, तुम हो इतनी खूबसूरत और इसकी नजर कभी तुम्हारे ऊपर से। क्या, जिमी ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कब तनुजा पर नजर डाली? पहले तुम उसे अपनी केयरटेकर के बतौर काम पर हायर करना चाहते थे ना, पर वो तो बात अलग थी, वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी, अरमान ने परेशान होकर कहा। और तुमने ये भी तो कहा था ना कि तुम उससे बेहतर गर्लफ्रेंड ढूंढ कर दिखाओगे। ऐसी कोई लड़की इस दुनिया में बनी ही नहीं है, और इसलिए मुझे डर है कि कहीं तुम इसे मुझसे छीनने की कोशिश ना करो। मैं, जिमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मुझे नहीं लगता कि वो सब इसलिए था क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं था। वो बतौर केयरटेकर काम नहीं करती रह सकती क्योंकि उसे कॉलेज में पढ़ना भी तो है, वरना तुम कैसे उसके साथ होते आज। अरे छोड़ो, मैं तो इससे बात करके भी थक गया हूँ। अब मुझ में और इस इंसान में बहुत फर्क है, अरमान ने तनुजा के माथे पर किस करते हुए कहा। तनुजा खुद हैरान थी। इसके साथ अलग अलग जगह पर चली तो जाना, पर इससे ज्यादा बात मत करना। ठीक है बाबा, ठीक है, तनुजा को डर था कि अब तो जिमी बहुत गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी से पीछे वाली सीट पर बैठ गई और बोली, कोई बात नहीं, मैं परसों तक वापस आ जाऊंगी। थोड़ा आगे जाते ही जिमी ने कहा, ये रामू भी ना कभी कभी हद करता है, उसने तुम्हें भी वॉर्न किया मेरे लिए। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि ये तुम्हारे आसपास के बाकी लड़कों को भी ऐसे ही शक की नजर से देखता होगा। तनुजा चुप हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। क्या तुम अब फ्री महसूस कर रही हो, जिमी ने पूछा। कोई बात नहीं, तुम जो चाहती हो करना, अच्छे से मजे करना दिल्ली में, मैं रामू को कुछ नहीं बताऊंगा, वादा है मेरा। एपिसोड 215, प्यार और नफरत। तनुजा हंसने लगी, पर वो शहर दिल्ली, दिल्ली बस उसके लिए दुख भरी यादें ही लेकर आया था। वो मजे तो वहां बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। तकरीबन 11 बजे वो दोनों दिल्ली पहुंचे। उस फिल्म स्टूडियो का सीईओ खुद उन्हें लेने आया था और तनुजा ने उन लोगों के साथ ही लंच भी किया। फिल्म स्टूडियो जाने से पहले ऑफिस के दरवाजे पर सारे एम्प्लॉयज जिमी से मिले और उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। अवंतिका भी वहां मौजूद थी। दिल्ली में ठंड थी, इसलिए उसने लाल रंग का कोट पहना था, जिसकी वजह से उसे स्पॉट करना काफी आसान था। तनुजा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिमी जी, अब तो मैं आपको जिमी सर कहकर बुलाऊंगी। आपकी मदद के लिए शुक्रिया अवंतिका जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप इस कंपनी की शेयर होल्डर हैं अब, जिमी ने अवंतिका से हाथ मिलाते हुए कहा।
आपको भी बधाई हो सर, मैं आपसे बाद में बोर्ड रूम में मिलती हूँ। अभी पहले मुझे तनुजा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अवंतिका ने कहा। जिमी ने अपना सिर हिलाते हुए उसकी बात का जवाब दिया। अवंतिका और तनुजा लिफ्ट से दूसरे फ्लोर पर चले गए। वहाँ अवंतिका का मैनेजर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर खड़ा था। तनुजा ने कॉन्ट्रैक्ट पर एक हल्की सी नजर दी। आमतौर पर वॉइस ओवर आर्टिस्ट को कुछ ज्यादा काम नहीं मिलता, पर अवंतिका ने उसे काफी अच्छे बेनिफिट्स दिए थे और साथ ही उसके काम पर कोई रोक भी नहीं लगाई थी। अवंतिका, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारा सिर कभी नहीं झुकने दूंगी। क्या तुमने कभी खुद को दिल्ली में वापस इमेजिन किया है? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब उसने तनुजा को इमोशनल होते देखा। तनुजा, तुम्हें हमेशा अच्छे होने का फल नहीं मिलता, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहती हूँ, तनुजा ने पूछा। कहाँ? क्योंकि तुम दिल्ली में हो, हमें जाकर आयशा से जरूर मिलना चाहिए, अवंतिका ने कहा। वो हमारी सांझी दुश्मन है, क्योंकि अब अमित की कंपनी पहले की तरह नहीं रही है, इसलिए आयशा की वैल्यू भी गिरने लगी है और साथ ही उसकी पॉपुलैरिटी भी। अरमान जी ने तो ये तक कहा है कि वो चाहते हैं कि आयशा पूरी इंडस्ट्री में ही बॉयकॉट हो जाए। उसकी हालत बहुत बुरी है, अब एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल मैं जाऊंगी, तनुजा की आंखों में चमक थी। वो कभी नहीं भूल सकती थी कि आयशा ने उसके अतीत में उसे कैसे ट्रीट किया था। क्या तुम दोपहर को अपने पिताजी से मिलने जेल जा रही हो? अवंतिका ने पूछा। यहाँ से काफी दूर है वो, मैं सोच रही थी कि कल जाऊंगी, आज तो मैं अपने पुराने घर जाने का सोच रही थी, तनुजा ने उदास होकर कहा। अवंतिका ने कहा, याद से जिमी जी को अपने प्लान के बारे में बता देना। वहां से निकलते ही तनुजा ने अपने पुराने घर जाने के लिए बस ली। वो हर रोज उसी बस से स्कूल जाया करती थी। उसे तकरीबन आधा घंटा लगा अपने घर पहुंचने में। वो जगह बिल्कुल पहले जैसी ही लग रही थी, पर तनुजा को जरा भी घर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बिल्कुल अपने घर के आगे खड़ी थी। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तनुजा ने काफी कम दाम में वो घर बेच दिया था। वो तो ये तक नहीं जानती थी कि उस जगह का अब मालिक कौन था। वो बस चुपचाप उस घर के बाहर खड़ी उसे देखती रही। उसका अतीत बिल्कुल जैसे उसकी नजरों के सामने ही था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने अचानक घर के दरवाजे खोल दिए और इसलिए तनुजा वहां से वापस जाने लगी। तभी एक आवाज आई, तनुजा। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसे वहां अमित की सेक्रेटरी दिखी। उसके चेहरे के तो जैसे मानो रंग ही उड़ गए थे। वो जल्दी से वहां से जाने लगी। तनुजा रुको, उसने कहा। तनुजा ने पीछे मुड़कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या अमित भी यहाँ है? वो यहाँ नहीं है, उनके पास यहाँ आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, स्पेशली जो कुछ भी कंपनी में हुआ है उसकी वजह से, उसने हंसते हुए कहा। मैं तो यहाँ कुछ बड़े हुए काम निपटाने आई थी। मेरा घर अमित को बेचा गया था? तनुजा ने हैरान होकर पूछा। अमित की सेक्रेटरी ने कहा, 2 साल पहले तुमने ये घर बहुत कम दाम में बेच दिया था। अगले ही दिन अमित ने उस आदमी को ढूंढा जिसे तुमने ये घर बेचा था और ज्यादा दाम में उसे ये घर वापस खरीद लिया। उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ भी पता चले। क्या तुम अंदर आकर एक बार घर देखना चाहोगी? तनुजा ने उसे घूरते हुए कहा। किसे पता कि अब ये न जाने कितनी ही खतरनाक जगह होगी। पिछली बार मेरे कॉलेज में भी तुमने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम फिक्र मत करो, मैं तो बस एक असिस्टेंट ही हूँ, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। और वैसे भी CCTV कैमरा लगे हैं यहाँ हर जगह, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो अरमान बड़ी आसानी से मुझे ढूंढ लेगा। और फिर क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे जिंदा भी छोड़ेगा? उसकी सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ अंदर अमित ने कुछ भी नहीं बदला है, तुम अंदर आकर अपने घर को देख सकती हो। तनुजा, मैंने तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। मैंने जो कुछ भी किया वो बस इसलिए क्योंकि अमित ने मुझसे वो सब करने को कहा था। कई चीजों को लेकर तो मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी, पर वो बहुत जिद्दी है। तनुजा एक बार के लिए तो हिचकिचा रही थी, पर फिर अमित की सेक्रेटरी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। तनुजा के घर का आंगन बिल्कुल ही वैसा लग रहा था जैसा वो उसे छोड़कर गई थी, यहाँ तक कि पेड़ भी उतने ही थे। सर्दियां चल रही थीं और टहनियों से सारे पत्ते झड़ चुके थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही देखकर तनुजा न चाहते हुए भी रो पड़ी। वो तकरीबन 10 साल तक उस जगह रही थी। वो जगह उसकी और उसके पिताजी की यादों से भरी थी। वो घर के अंदर चली गई, अंदर कुछ भी नहीं बदला था, यहाँ तक कि फूलदान की जगह भी पहले जैसी ही थी। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी उस घर को घूरती रही।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में वो तूफान कभी आया ही नहीं था। उस समय जितना जल्दी हो सका अमित ने ये घर खरीद लिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो इंसान जिसे तुमने ये घर बेचा था वो सारे सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, उसके सेक्रेटरी ने कहा। क्योंकि तुम 2 साल बाहर थी, अमित जब भी दिल्ली आता था यहीं रहता था। वो गेस्ट रूम में ही रहा करता था क्योंकि वो किसी भी चीज को छेड़ना नहीं चाहता था। उसे पता था कि ये वही जगह है जहाँ तुम पली बढ़ी थी और ये जगह तुम्हारी यादों से भरी थी। तनुजा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं, मैं सपने में भी नहीं भूल सकती कि उसने मेरे साथ क्या किया था। उसकी आवाज से नफरत साफ झलक रही थी। जाओ और जाकर एक बार अपने कमरे में देखो। अगर वो नहीं भी कहती तो भी तनुजा अपने कमरे में जाती ही। जैसे ही वो ऊपर गई और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, वो हैरान रह गई। उस कमरे में पूरी दीवार पर उसी की तस्वीरें थी, उसकी और अमित की तस्वीरें, उनकी सेल्फीज, तनुजा की तस्वीरें जो अमित ने खींची थी। हर फोटो बड़ी करवा कर वहां लगवाई गई थी। तनुजा का तो जैसे उन्हें देखकर दिमाग ही चलना बंद हो चुका था बिल्कुल। जब कभी अमित को तुम्हारी याद आती वो यहाँ आ जाया करता था। उसने तुम्हारी एक एक तस्वीर संभाल कर रखी है, वो पूरा दिन इन्हें घूर सकता है, अमित की सेक्रेटरी ने कहा। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे वो पागल हो चुका है। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं कि प्यार करते कैसे हैं। वो तुम्हें बार बार हर्ट करके तुम्हारी अटेंशन पाना चाहता है। अब ये सब मत कहो, मेरी नजरों में वो किसी डेविल से कम नहीं है। मुझे उसका ऐसा प्यार नहीं चाहिए, बेकार है उसका प्यार, तनुजा ने चिल्लाते हुए सहमी आवाज में कहा। हाँ, उसकी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है, उसकी सेक्रेटरी ने कहा। क्रिसमस इवेंट पर भी उसे पता था कि वो अरमान के दादा दादी को ऑफेंड कर देगा, और साथ ही उसे ये भी पता था कि अरमान उस सब के बाद उसे छोड़ेगा नहीं, पर फिर भी उसने वो सब किया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की भी थी पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बस यही चाहता है कि तुम अरमान को छोड़ दो, और इसके लिए उसने तुम्हें बर्बाद तक करने की कोशिश की। तुम आखिर ये सब मुझे क्या बता रही हो? क्या तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहती हो कि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है, तनुजा ने कहा। अगर अरमान ना होता तो अभी तक तो मैं मर चुकी होती, और मेरी मौत के जिम्मेदार होते अमित और आयशा। मैं 2 साल उनसे छुपती छुपाती रही हूँ, पर फिर भी उन्होंने मुझे ढूंढ ही निकाला और उसके बाद मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक उससे नफरत करती रहूंगी। इसी के साथ तनुजा मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। एपिसोड 216 रिकॉर्डिंग। जैसे ही तनुजा दरवाजे तक पहुंची, उसने पीछे मुड़कर कहा, ये मेरा घर हुआ करता था, मेरी सब बचपन की यादें यहाँ बसती थीं, पर अब क्योंकि इसे अमित ने खरीद लिया है, ये घर मुझे खाने को दौड़ रहा है। मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। अमित की सेक्रेटरी ने उसे वहां से जाते देखा। उसने वो सब इसलिए नहीं कहा था ताकि तनुजा अमित को माफ कर दे, बल्कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तनुजा के मन में अमित को लेकर जो नफरत है वो थोड़ी कम हो जाए। बस वही एक तरीका था अमित को राहत देने का। जब तनुजा घर से बाहर निकली तो कहीं खोई हुई सी थी। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था और वो बेहद कंफ्यूज थी। वो बस चलती ही जा रही थी जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पीछे से आवाज दी और कहा, मैडम काफी समय से आप दिखी नहीं। तनुजा हैरान थी, उसने गार्ड को पहचान लिया। वो हमेशा से उसी जगह पर पोस्ट हुआ करता था और वो दोनों अक्सर एक दूसरे को मिलते रहते थे। हेलो, तनुजा ने कहा, दरअसल मैं दिल्ली में नहीं थी। अच्छा, उसने कहा। वो वहां से जाने ही लगा था जब उसने कहा, 2 साल पहले आपको कोई ढूंढते हुए यहाँ आया था। सच में? तनुजा हंसने लगी। उसे इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही थी कि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तो लोग उसे ढूंढ ही रहे थे। लोग तो हमेशा ही परेशानी देने के मौके ढूंढते हैं। वो एक लड़का था, 18-19 साल का लड़का, काफी हैंडसम था। वो बिल्कुल आपके जैसा लग रहा था मैडम, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। तनुजा हैरान थी, वो मेरी तरह दिखता था। हाँ, इसलिए तो मुझे उसका चेहरा आज तक याद है। तनुजा को अचानक याद आया कि निशा जी ने उससे क्या कहा था, और तनुजा ने पूछा, क्या उसने कहा कि वो मुझे ढूंढ रहा था? क्या आपको पता है कि वो कहाँ से आया था और कहाँ गया? उसने बस मुझसे आपका नाम लेकर पूछा था कि आप कहाँ रहती हैं। मैंने उसे कहा कि आप तो काफी पहले ही यहाँ से जा चुकी हैं और आपने ये घर बेचकर दिल्ली भी छोड़ दी। मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली का ही था, क्योंकि उसके बोलने के तरीके से ऐसा नहीं लग रहा था। थैंक यू, तनुजा बेहद हैरान थी।
उसके पिता अपने माता पिता की इकलौती औलाद थे। उसके दादा दादी के गुजरने के बाद कोई भी कभी भी उनसे मिलने नहीं आया था, स्पेशली 2 साल पहले जो भी हुआ था उसके बाद। उसने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में नहीं सुना था जो उसकी तरह दिखता था। क्या उसकी माँ जिंदा थी? क्या उसका कोई भाई भी था? जितना ज्यादा तनुजा इसके बारे में सोचती वो उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होती जाती। वो बस इसी उम्मीद में थी कि काश वो एक बार जेल जा पाती, पर अभी काफी देर हो चुकी थी। तकरीबन शाम के 5 बजे अवंतिका ने उसे फोन किया और तनुजा ने उसे एक एड्रेस दिया। तकरीबन 30 मिनट बाद उसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। जिमी और अवंतिका दोनों अंदर बैठे थे। जिमी भैया, आप यहाँ? तनुजा मन ही मन सोच रही थी कि वो दोनों एक साथ कितना अच्छा कपल बनाएंगे। रामू ने मुझे कहा था तुम दोनों पर नजर रखने के लिए। उसे डर था कि अगर तुम ऐसे अकेली रहोगी तो कहीं कुछ हो ना जाए। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, जिमी ने कहा। वैसे तो मैं खुद भी यहाँ आना नहीं चाहता था। इस समय मैं आराम से कहीं बैठकर दिल वालों की दिल्ली का मजेदार खाना खा रहा होता जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। ये कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ इस बिजनेस के काम के बाद? मैंने भी न जाने कितने समय से यहाँ का खाना नहीं खाया, तनुजा ने पूछा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे हाथ का कुछ भी खाने बाहर नहीं जाऊंगा। अगर रामू को पता चला तो न जाने मुझे बॉर्डर के किस इलाके में भेज देगा, जिमी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। मैं आज रात फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, अवंतिका ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हें डिनर पर ले जाती हूँ। आफ्टर ऑल तुमने ही तो मुझे इस कंपनी का शेयर होल्डर बनाया है। हाँ क्यों नहीं, जिमी ने उसकी बात मानते हुए कहा। तकरीबन 7:30 बजे गाड़ी एक प्राइवेट क्लब के बाहर खड़ी थी। अवंतिका ने सबको ऊपर जाने का रास्ता दिखाया। वो क्लब काफी सजा धजा हुआ था, बिल्कुल एक पैलेस की तरह। वो VIP कमरे में गए जहाँ पहले से ही कई लोग बैठे थे। आयशा उस ग्रुप के बीचों बीच बैठी थी और उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था और वो एक मध्यम वर्गीय आदमी से बात कर रही थी। उन लोगों को अंदर आते देख जैसे आयशा के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। डायरेक्टर साहब, मुझे माफ कीजिएगा, मैं लेट हो गई, अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका, ये पहली बार है कि मैं तुम्हें किसी आदमी के साथ देख रहा हूँ। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वैसे हैंडसम तो काफी है ये, डायरेक्टर साहब ने हंसते हुए कहा। अवंतिका पहले तो कंफ्यूज हो गई, फिर उसे एहसास हुआ कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा था। नहीं नहीं, ये तो जिमी जी हैं, हमारी कंपनी के नए मेजर शेयर होल्डर। बस अवंतिका के उसे इंट्रोड्यूस करवाने की ही देर थी, वहाँ मौजूद सभी लोग उठ उठ कर जिमी से हाथ मिलाने लगे। जिमी जी, मैंने आपके बारे में काफी सुना है, किसी ने कहा। आज की रात जिमी के बारे में नहीं थी, इसलिए वो सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनना चाहता था। जैसे ही किसी ने आयशा को उससे इंट्रोड्यूस करवाया, अवंतिका ने कहा, मैं आयशा जी को तो पहले से ही जानती हूँ। काफी साल पहले एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, तभी ने कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि एक जॉब के लिए मैंने इन्हें रिकमेंड भी किया था। पर बाद में मुझे ये सुनकर काफी हैरानी हुई थी कि इन्होंने अपनी ही सहेली का बॉयफ्रेंड उससे छीन लिया। अमित जी की मदद से ये अपने करियर में काफी आगे बढ़ गईं और तब से ये मुझसे भी ज्यादा VIP हो गई है हर जगह। वो बातचीत एक काफी अनफ्रेंडली तरीके से शुरू हुई थी। आयशा थोड़ी शर्मिंदा तो थी ही, पर वो ऐसे सबके सामने दिखा नहीं सकती थी। जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा तो उसने अपने साथ बैठे डायरेक्टर साहब से कहा, मुझे लगता है कि अवंतिका जी मुझे कुछ गलत समझ रही हैं। मुझे अच्छे से याद है कैसे इन्होंने मेरी मदद की थी। अब आप मेरी तरक्की के लिए मुझे ब्लेम तो नहीं कर सकती ना? ऑर्गेनाइजर ने मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी अमित की कंपनी से अपना काम निकलवाने के लिए। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए अपनी वाइन का एक सिप लिया और कहा, आयशा क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज यहाँ क्यों तुम्हें इन्वाइट किया है? ये मेरी नई फिल्म की कास्टिंग के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि अवंतिका तुमसे मिलना चाहती थी। मैं काफी सालों से इनका दोस्त हूँ। काफी समय पहले जब मैं अपने करियर की शुरुआत में था तब मैं एक फिल्म बनाना चाहता था, पर लोग तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते थे। तब सिर्फ अवंतिका ने मेरी मदद की थी, यहाँ तक कि उसने मेरे साथ इस फिल्म में फ्री में काम भी किया था। अब ये मत सोचना कि सब तुम्हारी तरह पत्थर दिल और एहसान फरामोश होते हैं। अचानक आयशा के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से जाने लगी। तभी अवंतिका आगे बढ़ी और उसने एक वाइन का ग्लास उठाया और उसके मुंह पर दे मारा। अवंतिका तुम पागल हो? वहाँ खड़े सभी लोग बस चुपचाप देख रहे थे, इसलिए आयशा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और चिल्ला उठी, मैं अमित की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? अमित तुम्हें आसानी से छोड़ेगा नहीं, अमित बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तनुजा आगे आई
और उसने आयशा को घूरते हुए कहा, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है मेरा विरोध करने के लिए, बस। क्या कह रही हो तुम ये सब, आयशा ने कहा। तनुजा तुम बस मुझसे जलती हो, बहुत शर्म की बात है ये, अमित ने मुझे वो सब दिया जो तुम्हारे पास नहीं है। तनुजा चुपचाप खड़ी देखती रही। जब उसे एहसास हुआ कि आयशा का हाथ उसकी जेब की तरफ बढ़ रहा था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी जेब से फोन निकाल लिया, और जैसा कि उसने सोचा ही था, आयशा वो सब रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे मेरा फोन दो वापस, आयशा अपना फोन वापस लेने की कोशिश करने लगी। अवंतिका ने तभी उसे काउच पर धक्का देकर गिरा दिया और एक वाइन की बोतल इसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता तुमने इन बीते सालों में क्या किया है? तुम्हारे फैंस हमेशा मेरी और मेरे परिवार वालों की इंसल्ट करते रहते हैं ऑनलाइन जाकर। क्यों? क्योंकि तुम उनसे ऐसा करने के लिए कहती हो। मैंने बहुत बुरी से बुरी लड़कियां देखी हैं यार, पर तुम तो सबसे महान हो, सबकी दादी हो। अवंतिका की इस हरकत से आयशा काफी सहम सी गई, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सभी मर्द भी काफी हैरान थे। जिमी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था जब उसने तनुजा का हाथ पकड़कर धीरे से उसके कान में कहा, ये लड़की दिखने में तो पिद्दी से लगती है पर है काफी हिम्मती।